कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब एक नई जंग छिड़ गई है। इस चुनाव में दोनों ही दलों को दक्षिण में निराशा का सामना करना पड़ा। एक ओर बीजेपी के हाथ से जहां सत्ता फिसल गई, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हाथ नोटा से भी कम वोट आए। अब इसी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी को नोटा से कम वोट मिलने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चिढ़ाने की कोशिश की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उसी के अंदाज में तीखा जवाब दे दिया। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में आपने 209 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग के मुताबिक आपको 1% से भी कम यानी 0.58% वोट शेयर मिले, जो नोटा के वोट प्रतिशत 0.69 से भी कम है। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसी को लेकर बीजेपी नेता और आईटी डिपार्टमेंट के प्रभारी अमित मालवीय ने आपके प्रदर्शन को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, कर्नाटक चुनाव में इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल की आप 224 में से 209 सीटों पर लड़ी, सभी पर जमानत जब्त हो गई। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को महज 2,25,866 और 0.58% वोट मिले, जो कि नोटा यानी 2,59,763 को मिले वोटों से भी कम है। अगली बार जब कोई केजरीवाल को भारत की उम्मीद बताए तो उन्हें उनकी स्थिति याद दिलाए। बीजेपी की ओर से तंज कसे जाने के बाद जवाब देने की जिम्मेदारी आप सांसद संजय सिंह ने संभाली। उन्होंने कुछ डेटा शेयर करते हुए लिखा, अरे ये कब हुआ, 2019 में नो नो नो, हमारे मोदी जी 5 साल पीएम रहे, आंध्र प्रदेश में कई रैलियां की, फिर भी 2019 में सभी 173 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। नोटा से भी कम वोट मिले, मात्र 0.84% वोट मिले। अमित मालवीय, क्या यह आंकड़ा सही है? कर्नाटक पर सवाल पूछने से पहले इसका जवाब दे देना। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली है। 66 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।